स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे जनकपुर यात्रा के इस अगले भाग में। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको जनकपुर स्थित इस जानकी मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं जनकपुर के अन्य दर्शनीय स्थलों को जिन्हें कि आपको जरूर घूमना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के दिन की शुरुआत करते हैं माता जानकी के दर्शन के साथ। इसके बाद हम जाएंगे मंदिर के पास ही स्थित राम जानकी विवाह मंडप में जहां पर कि भगवान राम और माता सीता की शादी हुई थी। तो चलिए दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नहा धोके फ्रेश होके मंदिर परिसर में और आप देख सकते हैं ये मंदिर परिसर है। तो दोस्तों हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर के। यही है राम जानकी मंदिर का मुख्य परिसर, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दर्शन करा दे रहा हूँ माँ जानकी और भगवान श्री राम के। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर पूजा भी आप कर सकते हैं, बाहर फूल माला वगैरह बिकता है, आप यहाँ पर पूजा भी कर सकते हैं। ये पूरा मंदिर परिसर है, देख सकते हैं। दोस्तों मैंने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद मैं अभी मंदिर प्रांगण में हूँ। दोस्तों अन्य स्थानों पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा इस स्थान के बारे में आपको बता दूं कि यहीं पर प्राचीन समय में राजा जनक का महल हुआ करता था, लेकिन अभी जो मंदिर का ये वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं ये काफ़ी बाद का है और इसे टीकमगढ़ के महारानी वृषभानु कुमारी द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों पहले यह स्थान मिथिलांचल की राजधानी हुआ करती थी और माता सीता का बचपन भी यहीं गुजरा था। हालांकि दोस्तों माता सीता के जन्म के बारे में कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति जमीन से हल चलाने के दौरान हुई थी और जिस स्थान से उनकी उत्पत्ति हुई थी वो स्थान अभी बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में है। तो दोस्तों हम लोग ने दर्शन कर लिया है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मंदिर से बाहर की और यहाँ के जो भी अन्य प्लेसेस है उनको मैं विजिट करने जा रहा हूँ। दोस्तों इसी परिसर में है राम जानकी विवाह मंडप और कहा जाता है कि यहीं पर श्री राम जानकी का विवाह हुआ था। ये है राम जानकी विवाह मंडप। अभी चलते हैं हम लोग अंदर और अंदर आपको दिखाते हैं राम जानकी विवाह मंडप। अब मैं यहाँ पर नेपाली रुपए से टिकट ले रहा हूँ। दोस्तों हम लोग प्रवेश कर चुके हैं राम जानकी विवाह मंडप में और यहाँ पर प्रवेश करने का जो शुल्क है वो भारतीय रुपए में 7 रुपए और अगर आप नेपाली रुपए देते हैं तो आपको 10 रुपए देने पड़ते हैं, जिसका काउंटर मैंने आपको पीछे दिखा दिया है। और ये है राम जानकी विवाह मंडप। दोस्तों मेरे पीछे जो ये आप मंदिर देख रहे हैं ये है राम जानकी विवाह मंडप और दोस्तों कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता जानकी और भगवान राम का विवाह हुआ था और इस कारण यहाँ पर मंडप बना हुआ है। लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। तो आप भी अगर जनकपुर आते हैं तो आप मंदिर के बगल में ही स्थित इस स्थान को जरूर घूमें। दोस्तों ये जो राम सीता विवाह मंडप है ये नेपाली आर्किटेक्चर में निर्मित है और इसे भी काफी बाद में एक लोकल रूलर द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों नेपाल आपको लगेगा ही नहीं कि इंडिया से अलग है, यहाँ पर आपको सारी गाड़ियाँ भी बिल्कुल इंडिया की जो भी गाड़ियाँ हैं, नंबर नेपाल का, तो आपको कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है, वो भी जब आप इस इलाके में रहते हैं प्रॉपर जनकपुर में, तो यहाँ पर मिथिला के कारण आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप बिहार से अलग हैं। दोस्तों अभी हम लोग राम जानकी मंदिर से निकल के अब जा रहे हैं गंगा सागर की ओर और वहाँ पर दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ गंगा सागर तालाब और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है गंगा सागर तालाब। यहाँ पर संध्या आरती भी होती है, हालांकि हमने कल संध्या आरती को मिस कर दिया है क्योंकि हमें पता नहीं था यहाँ पर संध्या आरती होती है। दोस्तों गंगा सागर से निकलकर अब हम लोग चल रहे हैं भूतनाथ मंदिर की ओर। वैसे गंगा सागर के बगल में ही ये राम गंगा है और उधर पड़ता है गंगा सागर। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं हम लोग भूतनाथ मंदिर और वहाँ पर दर्शन करते हैं। भाई हम लोग नेपाल ट्रिप पर आए हैं और बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। हम लोग अभी यहाँ भूतनाथ मंदिर तक पहुँचे हैं और वापस से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये है
गंगा सागर और इधर पड़ता है ये भूतनाथ मंदिर। चलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। दोस्तों हमने भूतनाथ महादेव मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि बारिश हो रही है लेकिन हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं। दोस्तों भूतनाथ मंदिर से निकलने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं राम चौक। आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं ये राम चौक है और वो पीछे राम गंगा है और अभी हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर। राम मंदिर से आने के बाद सीधे हम लोग पहुंच गए रूम। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अब हम लोग रूम से चेकआउट करके बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। देखते हैं अगर एक दो प्लेसेस कोई और सा घूम पाया तो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे बारिश काफ़ी हो रही है तो लग नहीं रहा है कि अब मैं कहीं जा पाऊँगा। इसलिए दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों बारिश ख़त्म हुई नहीं इसलिए हम लोग और कहीं पर नहीं जा सके और मैं अभी फिलहाल आ चुका हूँ जनकपुर रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं ये जनकपुर रेलवे स्टेशन है और यहाँ से हमारी ट्रेन है 4:30 बजे जयनगर के लिए। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे जयनगर की ओर और हमारा ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होगा। उम्मीद करता हूँ जितनी भी हमने आपको जानकारियाँ दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी अन्य नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।